तो इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर पहुंच चुका है दूसरे चरण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, परभणी और नांदेड़ में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर लोगों से उनका विश्वास मांगा। इस दौरान पीएम ने जहां बुजुर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, तो वहीं युवाओं को मिलने वाले अवसरों का भी जिक्र किया। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भाजपा के प्रचार को धार दी। उन्होंने मध्यम वर्ग और गरीबों के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि देश में निवेश के अवसर बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने बेंगलुरु में पानी की किल्लत का भी जिक्र किया और शहर को टैंकर माफिया के हवाले करने का आरोप कांग्रेस के सिर मढ़ा। उन्होंने कहा कि वे एक तरफ जहां देश का विकास करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस मात्र उन्हें हटाने के अभियान में जुटी है। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे, तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े लाभार्थी SC, ST और OBC परिवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में SC, ST और OBC परिवारों को झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। पीएम ने कहा कि देश और दुनिया के सभी प्रमुख नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन नारी शक्ति के आशीर्वाद की वजह से उनकी रक्षा हुई है। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभणी में समावेशी विकास के लिए NDA सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने सहित भविष्य की प्रगति का वादा किया। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से निरंतर विकास के लिए NDA गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वाले को ही खत्म कर देती है। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। पीएम मोदी ने नांदेड़ की जनसभा में दावा किया कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र से नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से भी डर लग रहा है, वो अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद गांधी परिवार पहली बार खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा।
खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहले चरण में बीजेपी और एनडीए के लिए एक तरफा मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र खासकर विदर्भ के विकास में बाधा डाली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ धीरज कुमार, योगेश शीतल, अश्विनी मिश्र और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।